जब हम तला भुना बहुत ज्यादा खाते हैं या मूंगफली जिसे आप ग्राउंड नट्स कहते हैं, इन ऐसी चीजों का जिनके अंदर तेल की मात्रा ज्यादा होती है, जब इनका सेवन हम ज्यादा करते हैं तो ऐसे में हमारा बीपी हाई रहने लगता है। साथ ही साथ हमारे जो बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से अनेकों दिक्कतें होती हैं, खून हमारा जो है गाढ़ा होने लगता है और साथ ही साथ हृदय से संबंधित काफी सारी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है। ऐसे में इन सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए मार्केट के अंदर एक ड्रग आती है जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया मेडिसिंस। हम जो बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, उस ड्रग का नाम है क्रिस्टर 5mg टैबलेट। आज हम जानेंगे कि इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, काम कैसे करती है, कहां कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और साथ ही साथ सावधानी क्या बरतनी चाहिए, इन्हीं प्रमुख बिंदुओं पर हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं इसके कॉम्पोजिशन से। ये जो हमारी क्रिस्टल 5mg टैबलेट है, इसके अंदर रोजुवास्टाटिन 5mg नाम का एक ड्रग होता है जो कि हमारे स्टैटिन क्लास को बिलोंग करता है। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करेगा। हमारी बॉडी के अंदर HMG-CoA एंजाइम होता है जिसे हम 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl कोएंजाइम A के नाम से जानते हैं। तो जो ये रोजुवास्टाटिन है, ये इसी HMG-CoA एंजाइम के एक्शन को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से जो कन्वर्जन होता है HMG-CoA एंजाइम का मेवलोनेट में, ये उसके कन्वर्जन को भी रोकता है और जो हमारे लीवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन होता है उसके एक्शन को भी इनहिबिट करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन कराता है। अब बात करते हैं कि इसे इस्तेमाल कहां कहां पर कर सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जब बैड कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है, बनने लगता है, तो उसकी प्रोडक्शन को ये रिड्यूस करता है। हमारी बॉडी के लिए एक गुड कोलेस्ट्रॉल भी होना जरूरी है तो उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाता है। जब हमें हाइपरटेंशन यानी कि जब हमारा बीपी बढ़ने लगता है तो ऐसे में इस दवा को दिया जाता है। और साथ ही साथ हमारी जो हृदय संबंधित दिक्कतें होती हैं, जिन्हें आप हार्ट रिलेटेड डिजीजेस कहते हैं, जैसे हार्ट अटैक, एंजाइना पेक्टोरिस इत्यादि, इन सभी दिक्कतों में काफी फायदेमंद है। अब बात करते हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। इस ड्रग को दिन में एक बार लिया जाता है या फिर जो डॉक्टर आपको डोज बताएगा उसके अनुसार आपको डोज लेनी होती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब आप इस दवा का सेवन करेंगे तो ना तो आपको ये चबानी है, ना क्रश करनी है और ना ही ब्रेक करनी है, वरना ये खराब हो जाएगी। अब बात करते हैं कि सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए। जब भी आप इस दवा का इस्तेमाल करेंगे उससे पहले इसका लेबल अच्छे से पढ़ लें, ठंडी और सूखी जगह पर रखें, सनलाइट से कभी भी एक्सपोज ना करें। जो डॉक्टर आपको डोज बताएगा उससे ज्यादा डोज आपको नहीं लेनी है और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेशन पे हैं, उन्हें इस दवा का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना है। आज की इस वीडियो में हमने क्रिस्टल 5mg टैबलेट के बारे में पूरा डिटेल में जाना। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया मेडिसिंस के साथ और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।